नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नौकरी क्रंच यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दसवीं और बारहवीं सीबीएसई बोर्ड से जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हुए हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। उन बच्चों को मैं बता देता हूं कि सीबीएसई बोर्ड ने डिजी लॉकर में अकाउंट बनाने के लिए नोटिस जारी किया है। जो बच्चे अपना सीबीएसई 10th और 12th 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो देखना चाहते हैं, तो उनको पहले डिजी लॉकर की वेबसाइट पर जो है डिजी लॉकर की जो वेबसाइट है उस पर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी आप अपना सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं। उसके लिए उन्होंने यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट भी दिया हुआ है। सिक्योरिटी पिन फॉर डिजी लॉकर अकाउंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट टू एक्सेस देयर डिजिटल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। उसके लिए यूजर मैनुअल दिया हुआ है। उसके लिए यूजर मैनुअल में मैं आपको पूरी डिटेल पे यहाँ पे दे देता हूँ कि कैसे आप अपना जो है अकाउंट डिजी लॉकर पे बना सकते हो। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे, ये यूजर मैनुअल यहाँ पे ओपन हो रखा है। मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पे दे देता हूँ कि आपको कैसे अपना डिजी लॉकर पे जो है अकाउंट आप जो है बना सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि रिजल्ट जारी हो, आप उससे पहले अपना जो है डिजी लॉकर का अकाउंट जो जल्द से जल्द बना लें, ताकि जब रिजल्ट आएगा उस टाइम पर ट्रैफिक जो है वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा रहेगा, तो हो सकता है आप अकाउंट ना बना पाए। इसलिए मैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल है जो बता देता हूँ कि आप कैसे डिजी लॉकर का जो अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं। सीबीएसई रिजल्ट्स 2022 यूजर मैनुअल स्टेप वाइज गाइड यूजर टू एक्सेस क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। आप यहाँ पे अपने जो है 10th 12th पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है दोनों निकाल सकते हैं यहाँ से। और इसमें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप कैसे अपना जो है डिजी लॉकर का जो अकाउंट है वो बना सकते हैं। उसके लिए ये डायरेक्ट वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप लिंक करने के बाद आपको यहाँ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड विद अकाउंट कन्फर्मेशन। गेट स्टार्टेड विद अकाउंट कन्फर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा क्लास कौन सी है आपकी, क्लास 10th है 12th है, जो भी आपकी क्लास है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना स्कूल का कोड डालेंगे। स्कूल का कोड डालने के बाद आप यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे सिक्योरिटी पिन। एंटर योर पिन पिन गिवन बाय स्कूल, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर पिन गिवन बाय स्कूल। अपने स्कूल से मिलेगा ये पिन आपको। यहाँ पे अपने स्कूल का कोड डालना, रोल नंबर डालना और यहाँ पे जो है जो स्कूल से पिन मिलता है वो पिन डालना है। उसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो डाटा पूरा डाल दिया, मतलब आपने क्लास सेलेक्ट की, अगर आप 10th क्लास से हो तो 10th क्लास सेलेक्ट की, 12th क्लास से हो तो 12th क्लास सेलेक्ट की, 12th क्लास से हो 12th क्लास सेलेक्ट करने के बाद 10th और 12th जो अभी आपकी क्लास है वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जो अपना रोल नंबर डालेंगे, रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक करना है। एन ओटीपी विल बी सेंट ऑन द मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल जो नंबर आपने यहाँ पे डाला उस पे जो है ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आपने यहाँ पे ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको आपका जो यहाँ पे है डिजी लॉकर अकाउंट कन्फर्मेशन, कंग्रेचुलेशन योर डिजी लॉकर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपने अपना जो अकाउंट है लॉगिन करने के बाद आप यहाँ इशूड डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन पे जाएंगे। इशूड डॉक्यूमेंट के सेक्शन पे जाने के बाद आप अपना जो है रिजल्ट आसानी से, मतलब इशूड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो है अपना जो 12th क्लास के सीबीएसई के बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। सीबीएसई बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो है अपना रोल नंबर वगैरह जो है वो डालेंगे। डालने के बाद आप जो है अपना रिजल्ट आसानी से जो है चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको ये रिजल्ट हमारी वो जो वेबसाइट पे वेबसाइट है, ये जो अकाउंट है आपको हमारी वेबसाइट www.naukrikranch.com की वेबसाइट पे भी मिलेगा। आप वहाँ पे जाकर के आप डायरेक्टली ये जो लिंक है वो पा सकते हैं और पूरी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे मिल गया। आप इस लिंक को भी शेयर करके रख सकते हैं। जैसे ही रिजल्ट का अपडेट आएगा हम वहाँ पे अपडेट कर देंगे। और आप हमारे चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लग गए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।